जयपुर संजय महाना के निर्देशन में सुधर रही नगर की दशा और दिशा। जयपुर नगर में नगर पालिका चुनाव के दौरान जनता का मत अब विकास के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष बने संजय महाना की कार्यशैली जनता के निर्णय को विकास के रूप में परिभाषित करती दिखाई दे रही है। सच कहें तो अब मतदाता जागरूक हो गया है या निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में संजय महाना को चुनना जनता के बीच गर्व का विषय बना हुआ। इसी के चलते नगर पालिका परिषद के गठन के तत्काल बाद उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग के निर्देशानुसार संजय महाना द्वारा जहां जनता से रूबरू होकर जनता की समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है, वहीं नगर विकास के रूप में नगर की सड़कों पर हो रहे गड्ढों को भी पेच वर्क करवा कर भिजवाया जा रहा है, जहां सच्चे जनसेवक के रूप में महाना दिन की शुरुआत के साथ देर रात तक जनता की सेवा में तत्परता में संलग्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं वार्ड में भ्रमण कर जनता की स्थानीय समस्याओं का भी मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। सच कहें तो महाना के उपाध्यक्ष बनने से नगरवासी को नगर विकास की उम्मीद जगी है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। नगर को विकास की दरकार है और विकास को लेकर क्या सोचना है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप विकास को लेकर? जिस तरह से नगर की जनता ने नगर सरकार पर विश्वास करके सभी पार्षदों को जनप्रतिनिधि जो हैं और साथ ही साथ आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी पर अपना जो है विश्वास जताया है, उस विश्वास को लेकर परिषद हमारी पूरी की पूरी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्योपुर शहर के विकास के लिए हमेशा तैयार रहेगी और जैसा जैसा समय अनुसार निर्देश अनुसार परिषद में विकास के लिए जो भी कार्य आएंगे उनमें सभी मिलकर कंधे से कंधा लगाकर उस श्योपुर शहर को एक नई तस्वीर देने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और जितने भी कार्य किए जा रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देश अनुसार ही होते हैं, बट ये है कि उसके अंदर अपन जो है उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो जाए, जिससे कि काम जो है एक अच्छे पैमाने पर एक अच्छी सुदृढ़ता के साथ हो, ऐसा मेरा मानना है।